बेटा वो जो अभी एनर्जी बैंड्स के बारे में हम बता रहे थे, जो केमिस्ट्री, ये वाला लिखना नहीं है, ये वाला समझने के लिए, ये वाला समझने के लिए लिखने के लिए डायग्राम बनाने के लिए तो बात है। जैसे देखो क्रिस्टल पेसिंग की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल स्पेसिंग, ये जो क्रिस्टल पेसिंग, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये होता है क्रिस्टल पेसिंग, दो एटम के बीच में डिस्टेंस होगा, दैट इज द क्रिस्टल पेसिंग, नहीं तो इंटर एटोमिक स्पेसिंग बोलते ना, इंटर एटोमिक स्पेसिंग, दो एटम के बीच में डिस्टेंस। ओके, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जब दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़े डिस्टेंस है, तब तो एज इट इज है, और कम हो गया, इधर आ गया, तो ये जो है ना, इसका तो दो पार्ट था ना, इसे दो पार्ट, दे आर फ्यूजिंग, ये वाला है, एक इधर जोड़ गया और ये नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला चला गया, इधर से ऐसा करके बैंड, जैसे भी तुम दिखाओ, तो ये होता है एनर्जी गैप, ये वाला हो गया कंडक्शन, ये वाला होगा बैलेंस बैंड। तो ये जो है ना, इसमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं हुआ, 1s2 एज इट इज रहा, 2s2 एज इट इज रहा, दैट इज 2p6 एज इट इज रहे, लेकिन जो 3s एंड 3p, इसका जो एनर्जी लेवल ऐसी था ना, इसका भी एनर्जी स्टेट तो ऐसी था, लेकिन ये वाला अभी क्या होगा, आपस में जुड़ गया, उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 3s था और 3p था, ये दोनों आपस में जोड़ गया, उसको इस तरीका से एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखाते, ये जो लेवल था इसका एक ऐसा कर दिया, और ये वाला ये नीचे आया, ये ऊपर की तरफ चला गया, बीच में इतना गैप होगी, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, ये वाला बन गया वैलेंस बैंड। इस तरीका से तुम्हें मान लो इसको बनाना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम को बना देना, एक बार इसको बना के सेंड करना, और देखना ये वाला एनर्जी की है और ये वाला इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, वो होता क्या है, ये दोनों एटम के बीच में जो स्पेस होती है, इज इट क्लियर। ओके, तो जल्दी सेंड करो बेटा, जल्दी सेंड करो।